किया, लेकिन उसके बाद अब एक ऑडियो वायरल हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए। देखिए साहब, मैं जिस दिन मेरा वीडियो वायरल हुआ उस दिन भी मैंने आप सबसे निवेदन किया, सबसे गुजारिश की और सबसे कहा। अब वो जिन्होंने भी कर दिया उसको मेरे पर रोकने का कोई तरीका तो था नहीं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से व्यक्तिगत लोगों से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे के राजनीतिक भविष्य के साथ साथ मेरे मतलब जीवन को, खुद के जीवन को समाप्त करने का दुष्प्रचार जिस तरह से फैलाने का काम किया 3 दिन से आप सबके सामने है। लेकिन आज सावन का पवित्र महीना, कि आज आखिरी सोमवार है और पूरे सावन के महीने में मैं बाबा भोलेनाथ के व्रत रखता हूँ। सोमवार के जब मैं घर के बालाजी महाराज की पूजा करने के बाद जब मैं घर से निकला, पड़ोस में बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने गया, तब मैंने बाबा भोलेनाथ से दुआ की, हे बाबा, मैंने 3 साल का मेरा छोटा सा कार्यकाल है विधायकी का, अगर इसमें मैंने किसी भी अपने राजनीतिक विरोधी को या मैंने किसी भी 3 साल में किसी पार्टी दलगत आधार पर किसी से द्वेष भावना की हो तो प्रभु इसकी सजा मुझे जरूर देना। अगर मेरे मन में मेरी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मुझे इस दलदल से निकालो बाबा, क्योंकि मैं, मेरा परिवार, मेरी अर्धांगिनी, मेरी बिटियां, मेरा पूरा पूरा परिवार तिल तिल करके तिल तिल करके तिल तिल करके मर रहा है। एक अशोक पारासर छोड़ के जितने भी कांग्रेसी है पतो लगाना, पूरे कांग्रेसी जा के खिलाफ है कि अगर जाए टिकट मिलो तो एक भी कांग्रेसी जा का काम नहीं करेंगे, सभी मरते देवी का काम करेंगे। देखिए अब तो आवाज में साफ सुनाई दे रहा है कि लघु उद्योग निगम की वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री इमरती देवी बोल रही हैं और वो क्लियर कह रही हैं कि इनके साथ ये करो, इनको धोंस दो कि अगर इन्होंने पैसा नहीं दिया तो इनका वीडियो वायरल कर देंगे। और वीडियो वायरल आप तत्काल उसको हटाओ, जैसा मैंने आपको पिछला, जब मैंने आपको पहले दिन बोला था कि मेरे पे जो मैसेज आते थे वो क्षणिक मात्र 1-8 सेकंड के आते थे, वो हटा लिए जाते थे। पहली बार वो मैसेज आए जो हम सेव कर पाए। और आखिरी में जो शब्द है उसने मुझे हिला के रख दिया है, डरा के रख दिया है कि पूरी की पूरी अगर उसको टिकट मिल भी गया तो पूरी की पूरी कांग्रेस हमारे साथ खड़ी है। वो नाम लेके बोल रही है इमरती जी के साथ खड़ी है, अब इसको मैं क्या कहूँगा। बोले अकेला अशोक पारासर उसके साथ रह गया, अब मैं, अब इसको किस रूप में लोगे आप तो, मैं तो आप पे छोड़ रहा हूँ। नेक देर को फिर डिलीट कर देना, उसको डाल के इसको देखो, देख के और तुरंत डिलीट कर देना, जो फिर कहना कि पैसा दे दो या जो वीडियो वायरल कर ले या आप बताओ इसमें कितनी सत्यता है? आप ही बताइए कितनी सत्यता। नहीं देखिए इसमें पूरी की पूरी सत्यता है हुजूर, अब इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और इसमें अब सिर्फ और सिर्फ जो जयचंद पर्दे के पीछे हैं उनका पर्दाफाश होना बाकी है। क्यों ऐसा, भाजपा के या कांग्रेस के, जयचंद कौन है? देखिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के भी कई जयचंद हैं जिनका पर्दाफाश होना बाकी है। नहीं इमरती जी ऐसा क्यों कर रही है, आपकी समझन है, समझन अपने जाल में फंस गई क्या? नहीं देखिए मेरा ये कहना है कि जब समधन का रिश्ता बना और जब तक वो विधायक बनकर दोबारा मंत्री नहीं बन गई तब तक तो लगता था कि रिश्तेदारी निभेगी, लेकिन अब वर्तमान की जो हालात है, अब इसके बाद बताओ आखिरकार कोई गुंजाइश दिखती है आपको? अब राजनीति में इतना स्तर भी गिर जाएगा साहब, इसकी कौन कल्पना करेगा, कौन कर सकता है? और अच्छे लोग क्या राजनीति में आएंगे? अब सुनिए, मेरे को अब इसका डर नहीं है कि मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा, अब डर इस बात का है कि जिस तरह की ऑडियो सामने आई है उससे मेरे जीवन को खतरा है, कुछ भी करा सकते हैं ये सारे लोग मिलके। मैंने आपको कहा इसमें रेत माफिया, इसमें भू माफिया, इसमें ड्रग्स माफिया,
और इसमें डबरा में नए नए आईपीएल सट्टा किंग के नाम से जो बढ़ रहे हैं वो सारे के सारे माफिया शामिल हैं। गृहमंत्री आ रहे हैं वहीं से, डबरा से गृहमंत्री आ रहे हैं, फिर भी ऐसे माफिया बढ़ रहे हैं। देखिए जहां तक गृहमंत्री जी का सवाल है, गृहमंत्री जो आज वर्तमान में हैं वो कैसे हैं? इमरती इस्तीफा नहीं देती, इमरती सरकार नहीं बनाती, तो क्या शिवराज जी मुख्यमंत्री होते? तो उनके कहने से सिपाही हवलदार के सुबह ट्रांसफर होते हैं, रात के 12 बजे वो कैंसिल हो जाते हैं। तो अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा? नहीं विधायक जी।